वेलकम टू आर फे स्टूडेंट दिस इज शौफिक यू एंड दिस इज द नंबर शॉर्ट ट्रिक सीरीज यू आर गोइंग रनिंग हियर इन दिस प्लेटफॉर्म तो देखते हैं स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन क्या है जो हम एक बहुत अच्छे ट्रिक से सॉल्व करेंगे ठीक है तो स्टूडेंट यू सी क्वेश्चन नंबर फोर आज डे फोर में है क्या फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ सिक्स हंड्रेड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट्स देखिए पहले हमने बहुत कुछ सीख लिया कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर एनी पर्टिकुलर नंबर वी हैव लर्न स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स राइट आज जो सीखने वाले हैं हम दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स को आप ट्रिक से कैसे निकाल सकते हो एंड वाई यू आर डूइंग दिस स्टूडेंट्स दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन एवरी ईयर कोई ना कोई एग्जाम पे ये क्वेश्चन आता है और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के कोई तरीका हमारे पास उस टाइम पे नहीं होता है सो यू नीड टू नो द ट्रिक्स सच दैट बहुत ईजिली वी कैन फाइंड द आंसर राइट स्टूडेंट तो देखते हैं ट्रिक क्या है देखिए एज यू नो ऑलरेडी इन सब क्वेश्चनों का सबसे बड़ा हथियार जो है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा एक बेसिक टॉपिक है स्टूडेंट जो हम सबको आता है राइट right? उससे इजी तो और कुछ भी नहीं हो सकता

टू आर टू क्यूब थ्री ए की है और फाइव है स्टूडेंट तो टू क्यूब थ्री टू दावर वन एंड फाइव टू दावर टू हाउ इजी इट इज टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है हो गया आपका कुछ ही पे अब देखिए आप क्या करना है स्टूडेंट कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स ढूंढना है एंड यू ऑलरेडी नो नंबर ऑफ फैक्टर्स को कैसे ढूंढते हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर्स को कैसे ढूंढते हैं है, so है, तो है, तो है? आपको सोचने का बिल्कुल जरूरत नहीं है ओके okay, स्टूडेंट तब देखिए इसका नंबर क्या आ जाएगा ट्वेंटी फोर नाउ क्या ढूंढना है आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स आंसर क्या होगा स्टूडेंट पता है आपको जो आया था आपका फैक्टराइजेशन मतलब जो चीजें था यहाँ पे वो इसको ऐसे लिख दो आप इसको लिखने के बाद अब ऊपर को क्या करो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आया है आपका उसको डिवाइड कर दो टू से आ जाएगा ट्वेल्व लिख दो यहाँ पे ट्वेल्व एंड दैट इट स्टूडेंट इतना सा ही आपको आंसर मिल जाएगा ओके सो यू सी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स विल बी फॉर्मूला क्या हो जाएगा जो इधर पे आ रहा है उसके ऊपर आपको क्या करना है उसके ऊपर सिर्फ इन जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आया है इसको टू से डिवाइड करके लिख दीजिए जो हो जाएगा फाइनली ट्वेल्व मतलब दैट टू पावर दुवेल्व विल बी द आंसर स्टूडेंट आई होप यू गॉट इट इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी वंस यू नो द ट्रिक द आंसर विल बी देयर एट योर डोर स्टेप तो थैंक यू स्टूडेंट टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग ऑल द बेस्ट एंड सी यू गुड बाय